नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तूफानी पहाड़ी में। आज की वीडियो में हम दिए गए कल के चार सवालों को डिस्कस करेंगे जो सोसाइटी की डोमेन से हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे सवाल। सबसे पहला सवाल, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से सवाल है। इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना पड़ेगा संस्कृताइजेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चे का विषय रहा है। संस्कृताइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लोअर कास्ट है वो हमेशा अपर कास्ट को फॉलो करने की कोशिश करती है, इमिटेट करने की कोशिश करती है, उनके रहन सहन को, खाने पीने को, वार्तालाप को, व्यवहार को, और इस तरह से जब उन्हें फॉलो करती है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है संस्कृताइजेशन। अब ये जो लोअर कास्ट है, ये केवल इंडियन कंटेक्स में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडियन कंटेक्स में जो संस्कृताइजेशन है ये कास्ट के बेसिस पे ही किया जा सकता है। तो संस्कृताइजेशन का वैसे इन जनरल अर्थ है कि जनरली जो लोअर स्टेटा ऑफ सोसाइटी है, चाहे वो क्लास के बेसिस पे हैं या कास्ट के बेसिस पे हैं, वो अपने से ऊपर की कास्ट या क्लास को फॉलो करने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी सोशल लैडर में, सोशल सीढ़ियों में ऊपर आ सकें। तो इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिकली प्रोग्रेस होना केवल आवश्यक नहीं है, सोशल प्रेस्टीज और सोशल एक्सेप्टेंस के लिए काम किया जाता है। तो इसमें बहुत फेमस इंडिया के सोशोलॉजिस्ट हैं M.N. श्रीनिवास, तो इनको हम कोट करते हैं क्योंकि इन्होंने इस शब्द को कॉइन किया था, तो इनको कोट करना जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसका रेफरेंस दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे प्रोफेसर M.N. निवास इंट्रोड्यूस द टर्म संस्कृताइजेशन टू इंडियन सोशोलॉजी। द टर्म रेफर्स टू अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल ऑफ लोअर कास्ट कलेक्टिवली ट्राई टू अडॉप्ट अपर कास्ट प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स टू एक्वायर हायर स्टेटस। तो ये जो किया जाता है लोअर कास्ट द्वारा, हायर कास्ट को इमिटेट किया जाता है, ये केवल सोशल एक्सेप्टेंस और हायर स्टेटस को अचीव करने की एक कोशिश है। इट इंडिकेट्स अ प्रोसेस ऑफ कल्चरल मोबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कल्चरल मोबिलिटी, दैट इज टेकिंग प्लेस इन द ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम ऑफ इंडिया। द लोअर कास्ट इन ऑर्डर टू रेज देयर पोजिशन इन कास्ट हायरार्की अडॉप्ट सम कस्टम एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द ब्राह्मिन्स एंड गेव अप सम ऑफ देयर ओन विच वर कंसिडर्ड टू बी इम्प्योर बाय द हायर कास्ट। तो इसमें क्या करता है, जो लोअर कास्ट है, जिन उनके व्यवहार से लोग घृणा करते थे, तो उस प्रकार का आचार व्यवहार खान पान वो छोड़ने की कोशिश करते हैं, और समाज के सोशल लैडर में क्योंकि सबसे ऊपर ब्राह्मिन्स क्षत्रिय हैं तो इनको वो लोग कॉपी करने की कोशिश करेंगे ताकि उन लोगों की भी सोशल एक्सेप्टेंस समाज के अंदर बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, दे गेव अप मीट ईटिंग, ड्रिंकिंग लिकर एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस टू देयर डिटीज। दे इमिटेट ब्राह्मिन्स इन मैटर ऑफ ड्रेस, फूड एंड रिचुअल्स। बाय दिस दे कुड क्लेम हायर पोजिशन इन द हायरार्की ऑफ कास्ट विद इन अ जनरेशन। तो ये जो सब कुछ किया जाता है, ये केवल इसलिए किया जाता है ताकि वो भी कास्ट हायरार्की में एक स्टेटस को अचीव कर सके। तो संस्कृताइजेशन हैज अकर्ड यूजुअली इन ग्रुप्स हु हैव एंजॉयड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर बट वर नॉट रैंक्ड हाई इन रिचुअल रैंकिंग। मीन्स उन लोगों को अब पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली तो स्टेटस मिल गया है, लेकिन समाज के अंदर आज भी उनकी वो सोशल प्रेस्टीज या स्टेटस नहीं है, इसलिए ये संस्कृताइजेशन करने की कोशिश करते हैं। लास्ट लाइन है इसमें, द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन इज एन एंडोजीनस सोर्स ऑफ सोशल चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एंडोजीनस, मीन्स एंडोजीनस का है कि सोशल चेंज लाने के लिए संस्कृताइजेशन अपने आप में अंदर से विकसित हुए जाने वाला एक प्रक्रिया है। अगले सवाल पे चलते हैं। चार नंबर का ही सवाल था, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पेट्रियार्की इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो पेट्रियार्की को अगर हम समझे एज एन कॉन्सेप्ट, तो पेट्रियार्की का अर्थ है पुरुष प्रधान समाज, क्योंकि हिंदुस्तान का समाज को माना जाता है ये पुरुष प्रधान समाज है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में पेट्रियार्की को पूछा गया है। तो सबसे पहले हम पेट्रियार्की शब्द, जैसे हमने अभी संस्कृताइजेशन शब्द को समझाया था, ऐसे ही पेट्रियार्की शब्द को हम समझाएंगे कि जो ग्रीक वर्ड पेट्रियार्क से आया है, जिसका अर्थ होता है फादर और चीफ ऑफ अ रेस। तो पेट्रियार्की को डिफाइन कर रहे हैं, पेट्रियार्की इज अ सोशल सिस्टम इन विच मैन होल्ड प्राइमरी पावर एंड प्रीडोमिनेट इन रोल्स ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। तो आप देखिए कि क्यों पुरुष प्रधान समाज हम बोल रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल माइलेज है उनको एक एक्स्ट्रा, मॉरल अथॉरिटी, सोशल प्रिविलेज एंड कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी। पेट्रियार्की इज डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक डोमिनेशन ऑफ विमेन बाय मैन इन सम और ऑल ऑफ सोसाइटीज स्फेयर एंड इंस्टीट्यूशन। तो इसमें जो गौर करने वाला शब्द है वो है सिस्टमैटिक डोमिनेशन ऑफ वुमेन। तो इसमें वुमेन को सिस्टमैटिकली डोमिनेट किया जाता है और अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा उनको डोमेस्टिकेट करने की कोशिश की जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है पेट्रियार्की। पेट्रियार्की इज एसोसिएटेड विद अ सेट ऑफ आइडियाज
patriarchal ideology that acts to explain and justify this dominance and attributes it to the inherent natural differences between men and women. तो क्योंकि पुरुष और महिलाओं में, मेल एंड वीमेन में कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, उन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को धीरे धीरे सोशल डिफरेंस में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है उसको पैट्रियार्की बोला जाता है. अब इसका अर्थ समझिए, जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है मींस एक शब्द है सेक्स. सेक्स का मतलब होता है बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वीमेन. जब ये सेक्स जेंडर में बदला जाता है तो जेंडर एक सोशल टर्म है, तो जेंडर धीरे धीरे बनाया जाता है. जैसे महिलाओं को धीरे धीरे डोमेस्टिकेट करने के लिए वो रोल दिए जाते हैं ताकि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पुरुष प्रधान समाज के रोल्स को एक्सेप्ट कर सके. जैसे घर का काम, किचन का काम, अगर उनको बचपन में गुड़ियाओं से खेलने को दिया जाता है तो इसका अर्थ है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने चाइल्ड केयर में जाना है. अगर उनको बचपन में किचन सेट एज अ टॉयज दिए जाते हैं तो उसका अर्थ है उन्होंने कल को घर को संभालना है. अगर पुरुषों को खिलौने दिए जाते हैं जैसे गाड़ियां, टैंक्स, रोबोट्स, इसका मतलब उन्होंने टेक्नोक्रेट बनना है या बाहर के काम काजों को संभालना है. तो इस तरह से हमारे सोशलाइजेशन के थ्रू धीरे धीरे ये जेंडर को क्रिएट किया जाता है. इसी जेंडर क्रिएशन को हम बोलते हैं पैट्रियार्की को इम्पोज किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सोशियोलॉजिस्ट टेंड्स टू सी पैट्रियार्की एज अ सोशल प्रोडक्ट नॉट एज एन आउटकम ऑफ इननेट डिफरेंस बिटवीन सेक्सेस एंड दे फोकस अटेंशन ऑन द वे दैट जेंडर रोल्स इन अ सोसाइटी अफेक्ट पावर डिफरेंशियल बिटवीन मेन एंड वुमेन. मीन्स सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये जो मेल और फीमेल के बीच में जो डिफरेंस है बायोलॉजिकल नहीं है, ये धीरे धीरे सोसाइटी ये डिफरेंस को क्रिएट करेगी. अगला सवाल है, ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इस शब्द को समझिए. इन जनरल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का अर्थ होता है समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की लेयर्स बनी हुई हैं, अलग अलग स्ट्रेटा बने हुए हैं, परतें बनी हुई हैं. तो ये जो परतें हैं समाज के अंदर, ये कास्ट के बेसिस पे हो सकती हैं, ये पैसे के बेसिस पे होती हो सकती हैं, या कोई और प्रकार का अरेंजमेंट हो सकता है. लेकिन यदि इंडियन कंटेक्स में बोला जाए तो अगर आप सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, अगर समाज के अलग अलग परतों को बोला जाए तो आप बोलोगे इंडियन सोसाइटी जो है कास्ट के फॉर्म में डिवाइडेड है. तो इंडियन सोसाइटी के स्ट्रेटिफिकेशन को डिफाइन करने के लिए कास्ट जो है सबसे appropriate term है. तो हम पहले social stratification as a concept को explain करेंगे. On the basis of cultural, economic, caste and status, our society is divided into so many strata. Strata means layers, where jumping from one level to another is very much restrained. तो इसका अर्थ समझिए कि social strata एक बार create हो जाते हैं तो इनको बदलना समाज के अंदर बहुत ही कठिन काम होता है. इसलिए फुल स्टॉप डाल के हम बोल रहे हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द कंडीशन ऑफ बीइंग अरेंज्ड इन अ सोसाइटी, सोशल स्ट्रेटा और क्लासेस विद इन अ ग्रुप. इन अदर वर्ड, इट इज अ सिस्टम बाय विच सोसाइटी डिवाइड्स पीपल एंड रैंक देम इन कैटेगरी. तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का सबसे मुख्य जो अर्थ है वो है कि लोगों को रैंक्स या हायरार्की में अरेंज किया जाता है. ये सारे को इक्वल नहीं होते हैं. दीज कैटेगरीज आर देन प्लेस्ड इन अ हायरार्की. नेक्स्ट हम रीड करें, अब इंडियन कंटेक्स्ट में इसको कैसे हम देखेंगे. इन इंडिया कास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. फिर आप कास्ट के बारे में बताएंगे कि इसका ओरिजिनेशन ऋग्वेदा के 10वें मंडल से हुआ है, जिसको बोला जाता है पुरुषोक्ता थ्योरी. और इसी पुरुषोक्ता थ्योरी पे समाज को चार भागों में बांटा गया है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो अलग अलग अंग थे समाज के, ये एक हायरार्की की फॉर्मेट में बन जाते हैं. और कई सारे ऐसे ऋषि या पुराने लॉरेट्स इनको सपोर्ट करते हैं सिस्टम को. जैसे मनु स्मृति में लिखा गया है, वो कास्ट सिस्टम को बहुत स्ट्रांगली जो है इम्पोज करता है समाज के ऊपर. द कास्ट आर हेरिडिटरी एंडोगेमस ग्रुप. हेरिडिटरी एंडोगेमस ग्रुप का मतलब है कि ये जो कास्ट सिस्टम है इसमें जब हम शादियां करते हैं तो आप देखोगे एक कास्ट की शादी उसी कास्ट में ही होती है. ब्राह्मण्स राजपूत में शादी नहीं कर सकते या वाइस वर्सा. तो इस प्रकार से कास्ट सिस्टम लगातार मेंटेन किया जाता है और इंटर कास्ट मैरिज को मना किया जाता है ताकि कास्ट सिस्टम हमेशा से मेंटेन रहे. विथ फिक्स ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑब्जर्विंग कमिशनल प्रोहिबिशन एंड सोशल रिस्ट्रिक्शन ऑन इंट्रेक्शन, इट इज बिलीव दैट देयर आर अबाउट 3000 कास्ट इन द कंट्री. दिस कास्ट आर ग्रुप एज अपर कास्ट लाइक ब्राह्मण राजपूत बनिया कायस्थ, इंटरमीडिएट कास्ट लाइक अहीर सुनार कुर्मी एंड लोअर कास्ट लाइक धोबी नाई एक्सेट्रा. द कास्ट आर लिंक्ड विथ फोर वर्नास.
फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेटस इन रिचुअल हायरार्की। तो इस हिसाब से हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को इंडिया के कंटेक्स्ट में समझाते हैं। आज का आखिरी सवाल, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैचुरी प्रोविजन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग वुमेन। तो हम कहेंगे कि वुमेन के लिए हमारे संविधान में या अलग अलग टाइम पे जो लॉज हैं उन्होंने क्या सोशल अरेंजमेंट किए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वुमेन को स्टेटस देना या वुमेन को एम्पावर करने के पीछे कारण क्या है। तो अगर हम इसे ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो हम कहते हैं कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए और ताकि बोथ मेन एंड वुमेन इज रिक्वायर्ड इन प्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव लाइफ इंक्लूडिंग शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द केयर एंड नर्चरिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड मेंटेनेंस ऑफ द हाउस होल्ड। तो ये सब कामों के लिए हमें जो है वुमेन को इक्वल स्टेटस और एम्पावर करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं संवैधानिक तौर पर हमें जो जो प्रोविजन दिए गए हैं, आर्टिकल 14, 15, 15(3) जिसमें हम रिजर्वेशन देते हैं विमेन को, एंड आर्टिकल 16, ये तीन फंडामेंटल राइट्स हैं जो इक्वालिटी की बात करेंगे, स्पेशली जेंडर या सेक्स इक्वालिटी की बातें करेंगे। उसके अलावा हम देखते हैं डीपीएसपी के अंदर क्या अरेंजमेंट है, 39(b) इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आर्टिकल 42 स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ, वन वोट वन वैल्यू इटसेल्फ रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। तो इस प्रकार से हमने विमेन को एम्पावर करने की कोशिश की, लेकिन ये इतने सारे जो कदम उठाए ये पर्याप्त नहीं थे, तो हमें कुछ स्टैचुरी अरेंजमेंट करने थे। स्टैचुरी का मतलब है इसके अलावा भी कुछ कानून बने हैं, वो कानून किस प्रकार से है, जैसे औरतों को या महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया पंचायत में, मैटरनिटी बेनिफिट दी गई, विशाखा गाइडलाइंस बनाई, डाउरी एक्ट बनाया, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, नेशनल कमीशन ऑन विमेन है, दी कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट, दी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, दी प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज 1994। तो इस प्रकार के अलग अलग हमने लॉ वाइज स्टैचुरी प्रोविजन किए हैं। इसके अलावा हमने मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी बनाई है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये जितने भी कार्य सरकार ने किए हैं ये पर्याप्त नहीं है, अनलेस एंड अनटिल लोगों का एक एटीट्यूड चेंज नहीं होता महिलाओं के प्रति। तो इसलिए जब हम इस सवाल को कंक्लूड करेंगे तो हम बोलेंगे जो मसला है वो एटीट्यूडनल चेंज का है। यदि एटीट्यूड चेंज होगा तो अच्छे लॉज भी बनेंगे और संवैधानिक और भी तरीके खोजे जाएंगे। इसलिए हमें जरूरत है अवेयरनेस फैलाने की, लोगों को एडुकेट करने की और सेंसिटिवाइज करने की विमेन के प्रति। तो ये अभी मॉडर्न डे चैलेंजेस हैं। कल के सवाल जो हैं, चार सवाल हैं, तीन सवाल 8 नंबर के हैं, आखिरी सवाल 20 नंबर का है। सवाल मैं रीड करता हूं, डिस्कस हाउ इंडियन वर्जन ऑफ सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न वर्जन ऑफ सेकुलरिज्म, 8 मार्क्स। व्हाट इज कम्युनलिज्म, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इंजेंडर कम्युनलिज्म इन इंडिया, 8 मार्क्स। एजुकेशन इज एनविसेज्ड एज अ पोटेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल रेवोल्यूशन, इन दिस रिगार्ड डिस्कस द सेलियंट फीचर ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, 8 मार्क्स। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैचुरी प्रोविजन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद रिगार्ड टू स्केड्यूल कास्ट, 20 मार्क्स। तो आप इन सवालों को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, कल इन सवालों का हम डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।